हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देसी किचन में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो बिल्कुल मिनटों में तैयार हो जाता है और जो झटपट बनकर तैयार होता है, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये हम बनाएंगे बिना घी से और कुकर में। तो देखिए फ्रेंड, एकदम टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार हुआ है। अगर फ्रेंड हमारा चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड, जिसके लिए हमने 2 किलो गाजर लिए, और अब हम इन गाजर को इस तरीके से छील लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये भी दिखाते हैं आपको छील कर। तो देखिए इस तरीके से हम इनको छील लेंगे, इस तरीके से इनका छिलका उतार लेंगे, साफ कर लेंगे इनको। तो देखिए फ्रेंड, गाजर हमने छील कर सभी तैयार कर लिए हैं, जो इनका लास्ट का पार्ट है इस तरीके से, और जो ये आगे का हल्का सा पार्ट है इसको हम हटा देंगे। इन्हें काट कर हम तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, सारी गाजर हमने छील कर धोकर तैयार कर लिए, और अब हम इनको काट कर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हम किसी भी साइज में काट सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हम के हम चाहे तो इस तरीके से भी इनको काट कर ले सकते हैं बारीक बारीक। तो देखिए फ्रेंड, चाहे इस तरीके से काट सकते हैं, या फिर देखिए इस तरीके से भी हम इनको काट कर तैयार कर सकते हैं गोल। इस तरीके से भी इसके स्लाइस में भी हम काट सकते हैं इनको। तो देखिए आपको साइज दिखाते हैं, आप चाहे तो इतना मोटा भी काट सकते हैं, चाहे इससे मोटा भी काट सकते हैं इस तरीके से भी। तो देखिए फ्रेंड, तो देखिए अब हम गाजर काटते रहेंगे, और साथ ही ले लेंगे अब कुकर, और अपना थोड़ी थोड़ी गाजर काट कर इसमें कुकर में ऐड करते रहेंगे, डालते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, गाजर हमने सारी काट ली है और कुकर में डालकर तैयार कर ली है। और अब हम ले लेंगे 1 कटोरी फ्रेश दूध की मलाई। आपके पास मलाई ना हो तो आप इसमें दूध, 1 कटोरी दूध भी डाल सकते हो। और अब ढक्कन बंद करके इसमें फ्रेंड हम 4 सीटियां लगाएंगे। और हल्का सा इस तरीके से मैश कर देंगे। और फ्रेंड हम मैश करने के बाद फिर से इसमें 4 सीटियां लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब फिर से हम इसमें 4 सीटी और लगा लेंगे। और अब देखिए 4 सीटी हमने लगाने के बाद अब आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाजर का सारा पानी इस टाइम सूख चुका है। और अब हम सारी गाजर को मैश कर लेंगे अच्छे से, मैशर की सहायता से। तो फ्रेंड, ये 2 किलो गाजर के हलवे में हमने कुल मिलाकर 8 सीटियां लगाई हैं। तो देखिए हलवा हमारा मैश हो गया है बिल्कुल, गाजर हमारी एकदम मैश हो चुकी है। और अभी हम गैस को ऑन रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा उसको सभी को सुखा देंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, इसमें पानी सूख गया है, और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो फ्रेंड, इसमें हम
350 ग्राम के लगभग चीनी डालेंगे, 2 किलो गाजर में, और अब हम अच्छे से चीनी को मेल्ट कर लेंगे इसमें। अगर आप हल्का मीठा खाना पसंद करते हो तो आप चीनी चाहे इसमें थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, चीनी को अच्छे से मेल्ट हो जाने तक इसको लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि ये तली में लगे ना, और इसको मैश भी करते रहेंगे साथ साथ। तो देखिए फ्रेंड, इस टाइम चीनी इसमें बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो देखिए अब डालेंगे इसमें मावा, ये हमने 250 ग्राम मावा लिया है। और अब मावे को अच्छे से इसमें गैस हमारी लो फ्लेम पर इस टाइम ऑन रहेगी, और इसको चलाते हुए इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मिलाते हुए इसको पकाते भी रहेंगे अभी साथ के साथ, और मावे को अच्छे से इसमें मिला लेंगे हलवे में। तो देखिए फ्रेंड, हलवे में हमने मावे को अच्छे से मिला लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ बादाम काट कर। हमने इसमें 5 से 6 बादाम डाले हैं जो हमने बारीक बारीक काट लिए हैं, और अब हम इनको भी अच्छे से मिला देंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड, हलवा हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, और अब हम कर देंगे गैस को ऑफ। और अब निकाल लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेंगे हलवे को। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल हलवा हमारा परफेक्टली बनकर तैयार हो गया, जैसा हमें हलवा चाहिए। देखिए, ये हमने बिना घी से हलवा बनाया, बिना कसे, बिना कद्दूकस किए हुए गाजर को, और जो हमने कुकर में बनाया है। तो देखिए फ्रेंड, गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। इसको आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए फ्रेंड। ये फटाफट झटपट बनकर तैयार हो जाता है मिनटों में। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने निकाल लिया है प्लेट में, और अब हम इस पर डालेंगे हल्का सा मावा गार्निशिंग के लिए, और कुछ डालेंगे बादाम की कतरन, और कुछ डालेंगे इसमें पिस्ते की कतरन। तो देखिए फ्रेंड, गाजर का हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए, और फ्रेंड हमारी रेसिपी को शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।